जी अस्सलाम वालेकुम जी मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा तो कल भी मैंने आप लोगों को एक चीज़ कही थी कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तिरहत्तर हज़ार से तो वहाँ पे सेलिंग हमें नज़र आ सकती है आज भी वही हुआ है बिल्कुल और मार्केट जो है हमें एक अच्छी क्लोजिंग नहीं दे पाई और तिरहत्तर हज़ार पर जाके हमें जो है वो सेलिंग नज़र आई है और मार्केट जो है वो वहीं से दोबारा गिर गई बहरहाल मार्केट ने जो आज क्लोजिंग दी है माइनस थ्री में तो मार्केट माइनस में गई थी अच्छी खासी और मार्केट ने ऑलमोस्ट अपने लो के करीब ही क्लोजिंग दी है मार्केट का लो देखें बहत्तर का और मार्केट ने क्लोजिंग दी है बहत्तर पे और मार्केट का हाई देखें तिरहत्तर तो मार्केट ने तिरहत्तर हजार को भी लगाया और तिहत्तर हजार तीन सौ के करीब भी गई और वहीं पे सेलिंग नजर आई यहाँ पे देखें ये पॉइंट था सेलिंग का यहाँ पे सेलिंग आई और मार्केट मुकम्मल तौर पे गिर गई वॉल्यूम देखें टू सिक्स नाइन टू सिक्सटी नाइन मिलियन का वॉल्यूम है हमारे पास और मार्केट जो है वो आलमोस्ट साइड में रही है मार्केट जो है वो ओपन जो है वो ऊपर हुई थी इसलिए रेड कैंडल बनी है हमारे पास बड़ी देखें जी पाक इलेक्ट्रॉन दोबारा चल गया है चौंसठ मिलियन का वॉल्यूम है एफ एफ एल न्यूज़ आई हुई थी पॉजिटिव दोबारा चल गया है चालीस मिलियन का वॉल्यूम है डब्ल्यू टी एल को आज डिस्कस कर लेंगे देन हम नेटवर्क है बड़ी बात है भाई हम नेटवर्क का मैंने अपर कैप देख लिया कोई बड़ी सदी हो गई थी अरसा हो गया था बहरहाल बहुत ही स्लो शेयर है हम नेटवर्क और डब्ल्यू टी एल पर आज इससे अपर कैप लग गया है देन के इलेक्ट्रिक है थोड़ा सा डाउन है तेईस मिलियन का वॉल्यूम है एफ सी सी एल डाउन है इक्कीस मिलियन का वॉल्यूम है ए जी एल पॉजिटिव है सोलह मिलियन का वॉल्यूम है देन पी आर एल है दोबारा डाउन है चौदह मिलियन का वॉल्यूम है ट्रेड ने पॉजिटिविटी दिखाई है तेरह मिलियन का वॉल्यूम है सत्रह पे जाके मेरा टारगेट था मैंने सत्रह पे सेलिंग करवाई है देन गिर गया है पी आई ए को देखें दोबारा डाउन है और तेरह मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है यहाँ पर देखिए जी हम नेटवर्क है वेव्स है आप लोगों के पास वेव्स होम अप्लायंस लिमिटेड ये मैंने बाय करवाया था आज ही और देन जी आज ई एस बी एल एक्सकर्ट बैंक आज चल गया है मैंने काफ़ी टाइम पहले ये बाय करवाया हुआ था तो चले आज कुछ ना कुछ हद तक चला है देन सी एल वी एल है दोबारा चला पड़ा है लोड्स है दोबारा चला हुआ है और देन दाऊद वाले हैं और ऑक्टोपस है बहरहाल ऑक्टोपस का मैंने कल परसों शायद डिस्कस कर दिया था और आप लोगों को बता दिया था देन स्क्योर लॉजिस्टिक ग्रुप है दोबारा डाउन है स्टॉप लॉस मैंने इसका लगवाया हुआ था और स्टॉप लॉस मैंने एग्जिट उम्मीद है कि कर दिया होगा जो मेरे दोस्त थे जिनके पास था देन जी आपके पास डी डब्ल्यू एस एम है पैनी है और देन एच कार है जी अब आपका जो ऑटो मोबाइल का सेक्टर है वो ऑलमोस्ट ज्यादा का सारा जो है वो गिरा पड़ा है तो बहरअल इस चीज पर भी नजर रखें कि ऑटो सेक्टर अब गिर रहा है तो ऑटो सेक्टर गिरेगा उसके अंदर जो है बड़े इन्वेस्टर आएंगे पोजिशन बनाएंगे तो बहरहाल वो अच्छी एक मेरे ख्याल में कंडीशन हो सकती है एजी भी है जी अपर लाख में है और दैन नीचे चले जी बर्ज है बर्जर पेंट है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ था कि यार बर्जर को जाना है मैंने तब आपको कुछ महीना पहले क्या वीडियो उठा के देख ले मैंने आपको तकरीबन जो है वो सेवन एट सेवन नाइन कहता था कि यहाँ पे मस्त जाएगा बी एन एल ऑलरेडी मैं आपको तीन चार दफ़ा वीडियो में बता चुका हूँ जो है कि अंडर सोल्ड जो है अंडर वैल्यूड जो शेयर है उसके अंदर है अंडर वैल्यूड है अंडर सोल्ड है जो भी कह लें धन बलोचिस्तान व्हील है हैच है वॉलीम नहीं है है देन सिटी फार्मा को दोबारा लग गया है दाऊद वालों को दोबारा लगा है देन आप लोगों के पास गलेक्सो है हाइनो है और एच है जी देन आपके पास हम नेटवर्क है कैपको है कैपको कल बता दिया था आप लोगों को लगना है ऑक्टोपस है देन आपके पास पी है देन थट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड है और देन वेब्स एप है बरल देखें मार्केट साइड थी लेकिन आप लोग को अपर कैप में काफ़ी कुछ नजर आएगा अब लोअर कैप में कुछ भी नहीं होना तो बरल ये देखें साइड वे के अंदर भी ऐसा ही होता है आपके शेयर चलते हैं अब साइड वे में भी आपके पास लोअर लाख में कुछ भी नहीं है अब देखें जी क्या कहता है जी हमारे पास पहिया कमर्शियल बैंक्स ऑलमोस्ट आपके आधे शेयर उड़े पड़े आज चले पड़े हैं जू बी एल मिजान उड़े पड़े हैं बैंक अल फला एम सी बी बैंकल अबी और तनहबी बैंक लिमिटेड चले पड़े हैं आपके फर्टिलाइजर सारे का सारा डाउन है कल भी डाउन था ऑयल एंड गैस सारे का सारा उड़ा पड़ा है नेगेटिव न्यूज आई थी और देन पावर जनरेशन आपका पॉजिटिव है सीमेंट सारे का सारा उड़ा पड़ा है और सीमेंट की सेल के अंदर भी कमी आई है और प्राइसेस के अंदर भी कमी आ रही है और टेंथ देखे जी टेक्नोलॉजी आपका सारे का सारा पॉजिटिव है ऑयल एंड गैस डाउन है उड़ा पड़ा है ऑटो ऑयलो मिले ट्रैक्टर पॉजिटिव है मिले ट्रैक्टर की न्यूज़ आई थी इनकी सब्सिडी की एक सब्सिडी कंपनी इनकी आ रही है तो उसका इम्पेक्ट ये आएगा मैंने एक दोस्त है मेरे बड़े अजीज हैं उनसे मेरी डिस्कशन हो तो रही थी वो ये कह रहे थे कि भाई अगर फ़र्ज़ करो मिले ट्रैक्टर की सब्सिडी आती है तो इससे इनके रिजल्ट पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है और रिजल्ट से ज़्यादा जो असर पड़ेगा मेनली वो इनके पे आउट पर पड़ेगा पे आउट से मुराद है डेविडेंट या फिर बोनस डेविडेंड या बोनस उस पर आप लोगों को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा लेकिन ओवरऑल कंपनी के लिए अच्छा है कि कंपनी अगर बिजनेस को फर्दर जो एक्सपेंड करती है तो दाऊद वालों ने कमाल किया है सबसे ज्यादा पॉइंट दाऊद वालों ने ऐड किए होंगे फूड सारा उड़ा पड़ा है एक बी आपका चला है फार्मा सारा पॉजिटिव है केमिकल आज केमिकल ने कुछ मूव दिखाई है टेक्सटाइल आपका सारे का सारा उड़ा पड़ा है देखते हैं जी किसने कितने पॉइंट एड किया दाऊद ने एक हब ने तकरीबन 85 फाइव कैपको ने पैंतीस हाई नून ने तकरीबन तैंतीस सर्वी ने बाईस पाक इलेक्ट्रॉन ने इक्कीस हबीब एट्रोबन बैंक ने बीस एजीपी ने सत्रह गलेक्सो ने सत्रह बैंकल अबीब ने सोलह पीपीएल ने निकाले हैं तकरीबन सत्तर पॉइंट एफ एट ने तिरपन ओ जी डी सी ने पैंतालीस मिजान बैंक ने अड़तीस माड़ी ने तीस लक नेताइस इंटरलूप ने चौबीस बैंकल फ्लाल ने सत्रह एंग्रो ने चौदह और चिराट सीमट ने तकरीबन जो है तेरह चौदह पॉइंट निकाल दिए आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि इंडेक्स आज हमें क्या कहता है वन आवर पे देखें यही ट्रेंड लाइन है मैंने आपको एक जोन ड्रा कर दिया जोन के मुताबिक इंडेक्स को अगर इंडेक्स डिप लेता है तो इकहत्तर हजार पांच सौ तक इंडक्स को मस्ट आना चाहिए अगर इकहत्तर हजार पांच सौ ब्रेक होगा तो मजीद जो है वो मार्केट के लिए डेंजरस हो सकता है बरल वन आवर पे ऑलमोस्ट एग्जिट कॉल है मार्केट मजीद जो है वो गिर सकती है तो मेरे ख्याल में आप लोगों को रेडी रहना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बता दिया था कि इंडेक्स जो है वो तिहत्तर को क्रॉस नहीं कर पा रहा ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है आज भी दोबारा यही सेलिंग आ गई है और उस दिन भी यही हुआ था इस कैंडल पर अगर आप देखें और आज भी सेम टू सेम यही सेन हुआ है यहाँ पे सेलिंग आई है आज दोबारा सेलिंग आ गई है तो तिहत्तर हजार को क्रॉस करना मस्ट है तो आज अगर तिहत्तर हजार दो सौ तीन सौ के ऊपर अच्छी क्लोजिंग आ जाती तीन सौ चार सौ मिलियन के वॉल्यूम के साथ इंडेक्स मजीद जो है बुलिश हो सकता था लेकिन अब जो है करेक्शन आ सकती है इसलिए ध्यान से काम करें अपने लेवल्स बना के काम करें पहले शेयर जी हमारे पास दीवान सीमेंट लिमिटेड और डेली पे ये अपनी क्रेक्शन ले रहा है अभी एकेमुलेट हो रहा है और डेली पे एक्सपेक्टेड है कि मुझे लग रहा है कि ये तकरीबन जो है वो सात के लेवल पे आ सकता है साथ के लेवल पे बंदा इसे बाय भी कर सकता है साथ का लेवल मेरे ख्याल में अच्छा होगा बाइंग के लिए अभी ये साथ पे आ रहा है और साथ को ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर साथ ब्रेक हुआ तो देन मेरे ख्याल में आप लोग रेडी रहें कि मजीद नीचे भी गिर सकता है तो साथ जो है वो लेवल मस्ट है उसे रिटेन करना और वहीं पर जाके सपोर्ट बनानी चाहिए अभी मुझे टेक्निकली लग रहा है कि ये तकरीबन जो है वो साथ पे सपोर्ट पकड़ेगा और साथ पे सपोर्ट पकड़ के देन हम लोग इसे तकरीबन जो है सेवन पॉइंट फिफ्टी और देन उसके बाद सेवन पॉइंट एट्टी नाइनटी की तरफ देख सकते हैं बरल वन आवर पे भी देख लेते हैं जी वन आवर पे भी डाउन है वन आवर पे दोबारा जो है साथ पे आने की कोशिश कर रहा है तो साथ पे आने दें साथ पे जाके देखेंगे क्या करना है साथ से नीचे करेगा तो सिक्स पॉइंट फिफ्टी पे चला जाएगा सीधा और अभी तक तो ये ट्रेंड देखें मुकम्मल तौर पर फॉलो हो रहा है नेक्स्ट है जी हमारे पास जी टायर आज की कैंडल रेड है ओवरऑल जो है बुलिश है अब इसकी जो स्पोर्ट मुझे नजर आ रही है तकरीबन 41 की एक नजर आ रही है उसके बाद तकरीबन मुझे एक और स्पोर्ट नजर आ रही है 39.50 की ये दो स्पोट है अगर एक अद कैंडल और रेड पड़ जाती है तो भाई बड़ी अच्छी बात है बंदा है, इस पर बाइंग बना सकता है और वन आवर के लिहाज से मुझे नीचे आता हुआ नजर दिखाई दे रहा है तो वन आवर पर आता है एकतालीस पे और या फिर उनतालीस चलिया पचास पचपन पे तो आप लोग जरूर इसे जो है वो बाय कर सकते हैं ओवरऑल जो है मैं अगर इसे वीकली चार्ट पे हूँ तो वीकली चार्ट पे मुझे लग रहा है कि भाई ये डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है डबल कह लें या ट्रिपल कह लें इसके मुताबिक और यहाँ पे और यहाँ पे इन कैंडल्स के मुताबिक मुझे लग रहा है कि इसे कम अज़ कम जो है पैंतालीस छतालीस को टच करना चाहिए बाकी ओवरऑल मंथली चार्ट भी आप लोग देख लेंगे कि तो आप लोगों को यही चीज़ समझ आएगी कि भाई शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मेरे ख्याल में तो शेयर को अभी ऊपर जाना चाहिए जी टायर को नेक्स्ट है जी हमारे पास एफ सी एस यार मैं ऐसे डिस्कस नहीं करना चाह रहा था बिल्कुल भी लेकिन एक भाई ने कल भी कमेंट किया था उससे पहले भी एक दो दिन किया था तो बुरा नहीं मुझे खुद बुरा फील होता है कि भाई मैं कोई शेयर जान के स्किप कर दूं तो मैं पहले इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाह रहा था क्योंकि बहुत ही वॉल्यूम कम होता है पैनी होता है लेकिन फिर भी मैं कभी कभार खुद भी इसके अंदर एंट्री बनाता हूँ अब एंट्री कहाँ पर बनानी है इसके अंदर फर्स्ट जो एंट्री बनेगी वो तकरीबन आपकी बनेगी एक पे एक पे एंट्री बनाएं और सेकेंड एंट्री जो आप लोगों ने बनानी है एक की बड़ी अच्छी स्पोर्ट है सेकेंड एंट्री आप लोगों ने बनानी है जीरो पॉइंट एटी फाइव से लेकर ज़ीरो पॉइंट नाइन्टी पे तो ये दो लेवल्स हैं उसके बाद शेयर के अंदर जब भी मूव आती है शेयर आराम से एक इशारिया बीस और एक शरिया तीस पे चला जाता है तो उस दिन मैंने यहाँ पे आलमोस्ट बाय करवाया था एक पे और मैंने उस दिन एक सौ तीस के ऊपर पे जाके निकलवा दिया है दो तो बहरअल ऐसे ही होता है अब अगर ये दोबारा नीचे आता है आप लोग बाय करें एक पे और धन जीरो इशारिया पचासी से लेकर जीरो इशारिया नब्बे पे और धन इसे एक शरीय बीस तीस पर जा निकाल दें देन जी मिलर ट्रैक्टर है एक तो ट्रेंड लाइन मिलर ट्रैक्टर की बड़ी अच्छो अच्छी तरीके से फॉलो हो रही है यहाँ से देखिए आपका देन डाउन आया दैन आपका दोबारा यहाँ पे स्पोर्ट बनाने की कोशिश की देन ऊपर गया देन स्पोर्ट बनाने की कोशिश की अब एक्सपेक्टेड ये है कि मुझे जो स्पोर्ट नज़र आ रही है तकरीबन एक स्पोर्ट नज़र आ रही है पाँच सौ चौरानवे की सेकंड स्पोर्ट मुझे नजर आ रही है तरीबन पाँच सौ सत्तर की और ट्रेंड लाइन को अगर देखा जाए तो इसे स्पोर्ट लेनी चाहिए आलमोस्ट फाइव एटी फाइव के लेवल पे तो यहाँ पर अगर ये स्पोर्ट पकड़ता है तो अच्छी बात है लेकिन अब लग नहीं रहा कि इतना जल्दी नीचे आए ऊपर से इसकी तरफ से आ रही है और मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ी बहुत डिप ले तो बेशक आप लोग इसे जरूर फोकस करें पाँच के लेवल पे और ओवरऑल मेरे ख्याल में इसकी जो मुझे जो रजिस्टर नजर आ रही है तकरीबन सिक्स और उसके बाद देन मुझे एक और रजिस्टर नजर आ रही है ऑलमोस्ट सिक्स के लेवल पे उम्मीद है कि इन दो लेवल्स को टच करने की कोशिश करेगा नेक्स्ट है जी हमारे पास ए इसके मैं आपको दो लेवल्स बता रहा हूँ एवरेजिंग के लिए फर्स्ट लेवल इसका जो है ऑलमोस्ट हमारे पास एट पॉइंट और सिक्सटी के लेवल पे है तो ये अभी बिल्कुल जो है ऑलमोस्ट जो है वो बीरिश चल रहा है साइडवेज चल रहा है नीचे गिरता है कभी ऊपर जाता है बल एक ख़ास पोजिशन पर है ना ज्यादा ऊपर जा रहा है ना ज्यादा नीचे तो मेरे ख्याल में अगर ये एट पॉइंट सिक्सटी पर आता है इसके अंदर बाइंग बनती है और बेस्ट लेवल जो एवरेजिंग के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा सात से लेकर सात शरिया पचास के दरमियान जहां पे हैवी एवरेजिंग की जा सकती है इस लेवल पे आप लोग अगर इस शेयर को बाय कर लें तो मेरे ख्याल में आप लोग पाँच छः महीने होल्ड करके बैठ जाए आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी ये शेयर आप लोगों का प्रॉफिट के अंदर निकलेगा वीकली पे देखेंशन हो रही है स्लो स्लो हो रही है शेयर अपना टाइम ले रहा है टाइम लेने दें अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता एट पॉइंटीन के लेवल को तो बड़ी अच्छी बात हो गई शेयर के लिए शेयर के अंदर दोबारा मूव आ सकती है दस बारह की तरफ नेक्स्ट जी हमारे पास सी एस ए पी मैं आपको इसकी सपोर्ट बता देता हूँ पहले मुझे इसकी एक अच्छी सपोर्ट नजर आ रही है तकरीबन पचपन से लेकर और अट्ठावन के दरमियान इस लेवल पे बाय करें कल एक ग्रीन कैंडल पड़ी थी आज दोबारा रेड पड़ गई है तो मुझे तो वैसे पैंसठ पे जाता हुआ नजर आ रहा था और आज पैंसठ के करीब गया भी है तो बहरहाल दोबारा पैंसठ पे जाने की कोशिश करेगा अगर पचपन से अठावन के दरमियान सपोर्ट लेता है आप लोग जरूर बाय कर सकते हैं डेली पे देखें एकमुलेशन हो रही है और वन आवर पे आप लोग को थोड़ा डाउन आता हुआ नजर आएगा वन आवर पे अट्ठावन और देन पचपन की तरफ भी आ सकता है वीकली पे देखें जी वीकली पे अभी इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वीकली पे अब ये थोड़ा एकमुलेट होगा साइड चलेगा तो वीकली पे देखते हैं ये कितना टाइम लेता है यहाँ पे देखिए बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लिया था एकेमुलेन में अब भी उम्मीद है कि एक दो हफ्तों से ज्यादा ये एकेमूलेशन में टाइम में नहीं लेना चाहिए कल शेयर अच्छा है आप लोग बेशक इसे पैसठ और सत्तर की तरफ कॉन्सिडर कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर लॉस के साथ क्योंकि इंडेक्स बहुत पीक पे है देन जी हमारे पास चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड पहले तो मुझे इसकी सपोर्ट नजर आ रही है तकरीबन 158 पे सेकंड सपोर्ट नजर आ रही है तकरीबन 150 पे ये दो बड़े अच्छे लेवल्स हैं ट्रेंड लाइन को अगर देखें तो ट्रेंड लाइन के मुताबिक इसे सपोर्ट पकड़नी चाहिए ऑलमोस्ट जो है 153 के लेवल तक तो मतलब ये है कि 150 से लेकर और 153 जो है वो बेस्ट लेवल हो सकता है बाइंग का लेकिन अगर 153 फिफ्टी थ्री पे जाके ऐसी रेड कैंडल पड़ जाती है ऐसी रेड कैंडल पड़ती है ऐसी रेड कैंडल पड़ती है जिसे मोमेंटम कैंडल कहते हैं तो देन मेरे ख्याल में इसे मजीद जो है वो गिरना पड़ सकता है लेकिन करंटली मुझे अच्छा लग रहा है नीचे आने दें वन आवर पे देखें वन आवर पे ये जल्द ही एक सौ पचपन अट्ठावन पे स्पोर्ट बनाने की कोशिश करेगा एक सौ अठावन पे आएगा एक सौ अठावन पे अगर स्पोर्ट बनाता है तो बड़ी अच्छी बात है एक सौ अट्ठावन तक आने में भी इसे मजीद जो है चार रुपए लॉस करने पड़ेंगे एक सौ अट्ठावन और तकरीबन जो है एक सौ पचपन तो बाल मैंने आपको यही लेवल बताया एक सौ पचपन से एक सौ अट्ठावन के दरमियान जो है वन आवर पे ये जो है वो कैमूलेट हो सकता है ओवरऑल अगर आप लोग इसे देखेंगे तो ये शेयर आप लोगों को जो है ऑलमोस्ट डबल टॉप पे नजर आ रहा है डबल टॉप इसका ऑलमोस्ट जो है वो 170 पे बन रहा है लेकिन करंटली ये शेयर भी आप लोगों का बुलिश है और अच्छी मूव के अंदर चल रहा है एक चीज याद रखें अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप लोग एग्जिट ले लेंगे ट्रेंड लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है देन एजी टी पी एल पी वीकली डेली पे देखें जी आज बाय कॉल जनरेट हुई है कैंडल ऐसे लग रहा है जैसे हैमर टाइप है लेकिन हैमर नहीं है क्योंकि मुझे इसकी विक नजर नहीं आ रही है तो आ, रिस्क लिया जा सकता है बेशक इसके अंदर करंट प्राइस पे करंट प्राइस पे अच्छा मिल रहा है और अलेवन से नीचे नीचे शेयर अच्छा है और शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग बेशक इसे जो है आ, रख सकते हैं बारह साढ़े बारह तक आप लोग इसे बेशक अपने जहन में रखा जा सकता है बारह इसकी जो है अच्छा एक टारगेट हमारे पास हो सकता है एक तो इसके रिजल्ट माइनस में आ रहे हैं वो हमारे लिए बड़ा इशू है रिजल्ट कुछ पॉजिटिव हो जाए बाकी वीकली पे भी आप लोगों को ये आलमोस्ट है कि एमोलेशन काफ़ी टाइम से होती ही, दिखाई दे रही है लेकिन कुछ मूव नहीं आ रही है वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए इसके बारे में तो शेयर चले मंथली पे भी यही सेम सीन है कुछ पॉजिटिविटी नहीं आ रही है और साइड है जी तकरीबन आप लोगों को नजर आएगा और साइड वे वन आवर पे वन आवर पे ऊपर जाएगा तो ज़्यादा तो से ज़्यादा ग्यारह शेरी पंद्रह बीस तीस पर जा सकते हैं लेकिन अगर इसके अंदर कुछ अच्छा वॉल्यूम आता है तो जल्द ही ये शेयर आप लोगों का जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बारह और देन साढ़े बारह की तरफ जा सकता है देना जी आप लोगों के पास सर सर के अंदर अच्छी कैम्यशन हो रही है वॉलीम अच्छा पड़ रहा है डेली में मुझे चार्ट अच्छा नज़र आ रहा है आर एस आई मैक्टी दोनों अच्छी है ट्रेंड लाइन के मुताबिक इसकी सपोर्ट बन रही है आलमोस्ट फिफ्टी टू से फिफ्टी थ्री इसकी फर्स्ट सपोर्ट मुझे जो टेक्निकली नजर आ रही है फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्स सेकंड सपोर्ट नजर आ रही है आलमोस्ट मुझे फिफ्टी वन पॉइंट और फिफ्टी के राउंड अबाउट अब उम्मीद है कि इसे ऊपर की तरफ जाना चाहिए और फिफ्टी सेवन और देन उसके बाद इसे तकरीबन जो है वो सिक्सटी के लेवल को टच करना चाहिए बहरल डेली पे तो बड़ा अच्छा है विकली पे भी यकीन पॉजिटिविटी आ रही है ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है ट्रेंड लाइन के साथ ऊपर जाता रहे तो बड़ी अच्छी बात है तो ट्रेंड लाइन को जब तक फॉलो कर रहा है भाई हम लोग इसके साथ चलते जाएंगे और ट्रेंड लाइन बेशक आप लोग इस कैंडल के मुताबिक भी ड्रा कर लें तो देन आप लोगों की जो ट्रेंड लाइन है वो ज़्यादा नीचे आ जाएगी दैन आप लोगों की जो स्पोर्ट है वो आलमोस्ट फोटी एट बनेगी तो फोर्टी भी बड़ा अच्छा लेवल है मेरे ख्याल में तो बाइंग के लिए तो बहल पचास अड़तालीस का अच्छा लेवल है अगर चौतालीस पैंतालीस पे मिल जाए तो बड़ी मुश्किल बात है कि करंटली बुलिश रन के अंदर मिले देन डब्ल्यू टी एल है जी अगेन uh, मैं यही बात करूँगा डब्ल्यू टी एल ऐसा शेयर है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है हमेशा चार पांच महीने के बुलेट होने में लेता है देन उसके बाद चलता है अब डेली पे काफ़ी टाइम की इसकी बायकॉल जनरेट हो चुकी है जहाँ पर आलमोस्ट बायकॉल जनरेट कर चुका है अब कैंडल भी इसकी अगर आप देखें डेली पे आज अच्छी बड़ी है डेली पे आज वन थ्री टू पर गया था और वन टू एट पर क्लोजिंग दी है बरअल जल्द ही इसके अंदर वन फोर्टी की मूव तो आनी है लेकिन मैं जो चाह रहा हूँ मैं वन सिक्सटी की मूव चाह रहा हूँ तो 160 की मूव भी जल्दी आ जाएगी कैमुलेशन हो रही है लेवल्स इसके याद रख लें अगर नीचे आता है वन पॉइंट और मज़ीद नीचे आता है तो वन पॉइंट इन दो लेवल्स पर आप लोग या दो लेवल्स के दरमियान जो है आप लोग इसकी बाइक बना सकते हैं मज़ीद इसे तीन से चार महीने होल्ड करके रखें अगर किसी ने एग्जिट लेना है तो 1.40 पॉइंट फोर्टी जाके आप लोग इसे डंप कर सकते हैं अदरवाइज़ मेरे पास मैंने अगर ये शेयर बाय करना हुआ तो मैं इसे ज़रूर जो है होल्ड करके रखूंगा तीन चार मंथ के लिए तो आज के लिए इतना है जी बाकी आप लोगों की नजर में कोई भी शेयर हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मैंशन कर सकते हैं एंड पे अनाउंसमेंट करता चलूँ प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप की अगर किसी ने ज्वाइन करना है थाउजेंड इसकी फीस है और आज ऑलमोस्ट इसका लास्ट डे है आज मैं क्लोजिंग कर दूंगा इसकी बारह से पंद्रह कॉल जो है पर मंथ आती हैं स्विंग्स की देन इंटर डे दे कॉल्स आती हैं डेली की शॉर्ट टर्म कॉल आती हैं डेली की जैसे कल मैंने एन की कॉल दी थी उससे पहले दो तीन दिन पहले भी एक एन की कॉल थी और कल भी दी थी मैंने तकरीबन दो सौ सो, पे और देन आज आ, हमने तकरीबन तीन सौ तीन सौ सो पंद्रह सोलह पे और आज तकरीबन जो है तीन सौ बाईस तेईस पर कहीं हमने जाके उसे निकाल भी दिया था दोबारा तो ऐसी कॉल आती रहती हैं डेली की बेस पे अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं स्विंग्स कॉल भी होती हैं इन्वेस्टमेंट की इंटर की शार्ट टर्म कॉल्स भी होती हैं थाउजेंड इसकी फीस है नीचे मेरा व्हाट्सअ नंबर गिवन है जीरो थ्री और एक और चीज़ याद रखें स्टॉप लॉस किसी का भी हिट हो सकता है किसी भी वक्त स्टॉप लॉस मेरा भी हट होता है और क्लाइंट्स का भी होता है तो इसलिए स्टॉप लॉस के लिहाज से हमें टेंशन कोई नहीं होती हम स्टॉप लॉस हमेशा यूज करते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस आपको लॉस से बचाता है जहाँ पे पाँच हजार का लॉस हो रहा है वही लॉस बाद में बीस हजार में कन्वर्ट हो जाए तो मेरे ख्याल में पाँच हजार का लॉस बेहतर है तो आज के लिए इतना है जी बाकी आप लोगों की नज़र में अगर कोई भी शेयर हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा मैं इस पर वीडियो जरूर बना दूंगा बाकी थोड़ा बिजी होता हूँ अगर आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं कर पाता तो एडवांस में माजरत बाकी मेरी कोशिश होती है कि आपको WhatsApp पे भी रिप्लाई करूं और आप लोगों को यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई करूं। आज के लिए इतना है जी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ तब तक आप लोगों अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़